लगभग आज से 50 साल पहले यहाँ दर्शन के लिए आए थे, तब मूर्ति एकदम नीचे खड्डे में जैसी थी, ऐसे हाथ लगा के मूर्ति को छूना पड़ता था। लेकिन आज 50 साल के बाद दोबारा आए यहाँ दर्शन के लिए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा, एकदम मूर्ति सामने खड़ी है दिव्य रूप में बद्री विशाल की। अब कहते हैं कि आने वाले टाइम में कलयुग में जब कलयुग का अंत होगा, नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो वहाँ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में यही भविष्य बद्री विशाल के रूप में। इसका उल्लेख जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 700 और 800 ईस्वी के मध्य जब उन्होंने बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी के नारायण की मूर्ति को स्थापित किया था और जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति को स्थापित किया था, उसी समय उन्होंने कहा था कि जिस समय बद्रीनाथ में नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और नरसिंह भगवान जी का हाथ जो है अपना शरीर से अलग हो जाएगा, उसी दिन भविष्य में नारायण जी की पूजा इसी स्थान पे होगा। और उन्होंने नीचे गांव में ये नारायण जी की हम छुतेरा लाल बोला, हम छुतेरा लाल जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल हम छुतेरा, हम छुतेरा छुतेरा हम छुतेरा लाल बोला, हम छुतेरा लाल जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह पंचप्रयाग पंचकेदार स्थित हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में पंचबद्री भी स्थित हैं, जो कि भगवान विष्णु के तीर्थस्थल के लिए जाना जाता है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि या देवस्थल भी कहा जाता है। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कई देवी देवता विराजमान हैं। उत्तराखंड न केवल देवभूमि के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी यह जाना जाता है। तो आइए आज हम बात करेंगे पंचबद्रियों में से एक भविष्य बद्री मंदिर के बारे में, जिसकी अपनी एक अद्भुत कहानी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित हैं, इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह चार धाम में से एक धाम है। आइए जानते हैं भगवान बद्रीनारायण से संबंधित भविष्य बद्री के बारे में। कहते हैं कि जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई थी। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का आवास बना। वैसे ही उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भविष्य बद्री मंदिर, जो कि पंचबद्री में से एक है। भविष्य बद्री उत्तराखंड के पंचबद्री, बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री में सम्मिलित है। पहले यहाँ पहुँचने के लिए जोशीमठ से 15 किलोमीटर तपोवन तक सड़क मार्ग था, जिसके बाद धौली गंगा के किनारे स्थित तपोवन के समीप रिंगी गांव से 5 किलोमीटर और सलधार नामक स्थान से 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय कर मंदिर तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन अब वर्तमान में यहाँ मंदिर परिसर से 200 मीटर पहले तक एक सड़क मार्ग बन चुका है, जिससे होते हुए कोई भी पर्यटक तथा भक्तगण मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं। देवदार के जंगलों के बीच में स्थित भविष्य बद्री मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। वहीं जाड़ों में मंदिर का यह संपूर्ण क्षेत्र
बर्फ से पड़ जाता है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। भविष्य बद्री मंदिर साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। कभी भी आप लोग यहाँ पर जाकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भविष्य में एक बड़ा आध्यात्मिक और प्राकृतिक बदलाव होगा जब वर्तमान बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित नर नारायण पर्वत के मिल जाने पर बद्रीनाथ धाम का रास्ता दुर्गम हो जाएगा और जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित हो जाएगी। कहते हैं कि तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन इस स्थान पर यानी कि भविष्य बद्री में हुआ करेंगे, इसलिए इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से भी जाना जाता है। लोग मान्यताओं और आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि जंगल में देवदार के वृक्षों के बीच स्थित इस मंदिर में धीरे धीरे दिव्य और आकर्षक रूप से बद्रीनाथ की मूर्ति दृष्टिगत होने लगी है। वहां के पुजारी और आसपास के लोग कहते हैं कि मान्यताओं में जो बात कही जा रही है वो अब समय के साथ स्पष्ट होते भी दिखने लगी है। वहीं वर्तमान में भविष्य बद्री में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहले हमारे पूर्वज कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा मिट्टी का टीला था, तो गांव का कोई एक गुंगा आदमी यहाँ गाय के साथ आता था, तो जो गाय थी वो डेली आकर के दूध और वो करके परिक्रमा करके चले जाती थी। तो उनके घर वाले जब मतलब वो करते हैं दूध निकालते हैं तो दूध ही नहीं देते थे। तो फिर ये हुआ कि जब इस तरफ गाय जाती है तो कभी दूध नहीं देता, कुछ नहीं देता है, पूछा। तो एक दिन उन्होंने गाय का पीछा किया, तो पीछा किया, उन्होंने देखा कि ये तो परिक्रमा कर रहा और दूध छोड़ते जा रहा। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने खुदाई की, छोटा सा सीवन सा निकला, इतना छोटा सा। तो गाँव वालों को पता नहीं था उस समय कि मतलब ये गाय की मूर्ति क्या है। तो कितने साल पहले की बात होगी सर ये? तो लगा लो 2-2.5-3 साल पहले। हाँ, बहुत पहले की बात है, उनको पता नहीं था। हाँ, जब हम छोटे थे बचपन में, जब हम यहाँ दर्शन के लिए आते थे तो ये बिल्कुल सिला था, इस तरह का सिला। उस समय हमारे दादा दादी कहते थे कि ये भगवान है, तो हम कहते थे ये सिला पे कैसा भगवान है, इसके तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बचपन से लेकर आज तक हमने इसमें काफी परिवर्तन देखा, रिश्ता हमें दिखाई दिया। अब तो लग रही है प्रत्यक्ष रूप से लग रहे हैं। हाँ, अब तो ये माला ये सब चढ़ती है और ये शेषनाथ विराजमान है, ये पूरा फन दिखाई देता है नीचे से और ये मुख उठाई है। तो इसी माने तो मैंने ये भी सुना है कि ये अब उनकी मूर्ति उठ रही है, पहले यहाँ पे मतलब आप हाथ डाले तो हाथ नहीं। हाँ, हाथ नहीं। अब जो ये गुफा है उस समय काफी छोटा गुफा था, ये इसके अंदर जैसे हम हाथ डाल दिए फंस जाते हैं, अब कितना जगह छोड़ दिया है। आने वाले टाइम में और भी बड़े होंगे। जो ये इनका मुकुट है ऊपर दिखाई दे रही है, ये भी काफी छोटा था, अब मुकुट भी काफी बड़ा हो गया। ताई जी लोग बैठे हुए यहाँ पे, आइए लोग ले यहाँ से जोशीमठ से और आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस मंदिर की मानता है और क्या आज से ये कई साल पहले था और क्या आज इनकी स्थिति है भविष्य बद्री, जो कि माने जाते हैं कि भविष्य के बद्रीनाथ यही होंगे। तो आइए जानते हैं, ताई जी से बैठे हमारे ताई जी बताएंगे आप थोड़ा इसके बारे में। हम भी लगभग आज से 50 साल पहले यहाँ दर्शन के लिए आए थे, तब मूर्ति एकदम नीचे खड्डे में जैसी थी, ऐसे हाथ लगा के मूर्ति को छूना पड़ता था। लेकिन आज 50 साल के बाद दोबारा आए यहाँ दर्शन के लिए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा, एकदम मूर्ति सामने खड़ी है दिव्य रूप में बद्री विशाल की। और कहते हैं कि आने वाले टाइम में कलयुग में जो कलयुग का अंत होगा, नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो वहाँ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में यही भविष्य बद्री विशाल के रूप में पूजे जाएंगे और अभी भी इनकी पूजा होती है सनातन, जिस तरह से बद्री विशाल की होती है और उसी तरह के पत्थर पर उसी तरह के हर चीज, इसीलिए इसको भविष्य बद्री कहा जाता है। तब ये जो स्थान है अभी जहाँ खड़े हैं इसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 700 और 800 ईस्वी के मध्य जब उन्होंने बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी के नारायण की मूर्ति को स्थापित किया था और जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति को स्थापित किया था, उसी समय उन्होंने कहा था कि जिस समय बद्रीनाथ में नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे
और नरसिंह भगवान जी का हाथ जो है अपना शरीर से अलग हो जाएगा उसी दिन। भविष्य में नारायण जी की पूजा इसी स्थान पे होगा और उन्होंने नीचे गांव में ये नारायण जी की मूर्ति जो स्थापित कर रखी है, चिन्हित कर रखा है उन्होंने, और उन्हीं के आधार पर इस मंदिर को भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे शिला है, इस शिला पे नरसिंह भगवान का मुखौटा साफ साफ दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह भगवान बद्रीनाथ जहाँ पर अभी स्थित हैं उनके पास में भी ज्योतिर्मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर हैं, भगवान नरसिंह विराजमान हैं। तो मान सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब भगवान बद्रीनाथ यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद भी यहाँ पे उनके पास में भगवान नरसिंह जी आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल जी। तो जोशीमठ में जब खंडित हो जाएगी मूर्ति उसके बाद नरसिंह देव जी की पूजा इसी स्थान पर लगेगी और भगवान नारायण का पूजा उस स्थान पर।